नमस्कार दोस्तों, माय लैब ट्रिप पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में जो संभावित क्वेश्चंस हैं जीएस पेपर वन का, वो हम लेके आए हैं हिस्ट्री सेक्शंस का। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी एक महीना से भी कम समय रह गए हैं जो है 29 दिसंबर को जो डेट फाइनल है बीपीएससी 67th मेंस का, वो अभी एक महीना से कम समय रह गए हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी में हम हमारे एक्सपर्ट के द्वारा कुछ संभावित क्वेश्चंस बनाए गए हैं, वो लेके हम आए हैं। आप जो तैयारी कर रहे होंगे, जिस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करिए, आप एक बार जो है एक नजर में इस क्वेश्चंस को भी जरूर देखिएगा कि इस क्वेश्चंस को हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया और ये क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, हम जो 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री के लेके आए हैं, उस क्वेश्चंस को आप 2-3 दिन में भी कर सकते हैं। उस क्वेश्चंस पे आप 1000 से 1200 वर्ड्स जो है एक जो है फेयर बना के एक उस पे जो है उस क्वेश्चंस पे आंसर 1000 से 1200 वर्ड्स का फेयर बना के अब रख लीजिए और उसको जो है बार बार जो है पेज पलटते रहिएगा, देखते रहिएगा और उस पे उस क्वेश्चंस का आंसर का जो है आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम वो 20 संभावित प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं। और ऐसे ही जो है हर सेक्शंस का आएगा, इसके बाद जो है करेंट अफेयर्स आएगा, फिर स्टैट्स का भी आएगा, फिर पॉलिटी का भी आएगा। ठीक है, तो सारे जो है इकोनॉमी का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा और साइंस टेक का भी आएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री का जो संभावित है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है उसमें पहला है आपका बिहार के किसान आंदोलन का सामान्यतः वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषता गांधी जी के हस्तक्षेप की विवेचना कीजिए, और इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यदि आपको इस 20 क्वेश्चंस पे आपको ये पता करना है कि मैं इस आंसर कैसे लिखता हूं, उसमें क्या सुधार आ सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके माय ऑनलाइन प्रेप के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मेल दिया होगा, उस मेल पे आप अटैचमेंट करके आप जब भी आंसर कुछ लिखिएगा उस पर फोन नंबर अपना नाम लिख के और उस अटैचमेंट मेल पे आप जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यहाँ आपको जो है उस आंसर में क्या और सुधार करें इस तरह का या आपका किस तरह का आंसर है उस तरह का फीडबैक आपको दे दिया जाएगा। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इस पे आपको ईमेल आईडी होगा और ये क्वेश्चंस का जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको होगा, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है। इसमें देखिए पहला है कि बिहार के किसान आंदोलन का वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में गांधी जी के हस्तक्षेप विवेचना कीजिए। इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस हैं, एक तो बिहार के किसान आंदोलन के बारे में आपको लिखना है, दूसरा है चंपारण आंदोलन के बारे में भी आपको लिखना है, उसमें गांधी जी की क्या भूमिका रही हस्तक्षेप का भी विवेचना कीजिए। ये देखिए इसमें, इसीलिए मैं आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरह के क्वेश्चंस को समझना है। 3 से 4 मिनट आपको क्वेश्चन समझने में देना है कि हमारी आंसर की जो शुरुआत होगी वो किस तरह होगी। तो पहले क्वेश्चंस को समझिए, बिहार के किसान आंदोलन के बारे में आपको लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद उसी आंदोलन में आपको चंपारण आंदोलन भी, और उसके बाद गांधी जी के हस्तक्षेप भूमिका के बारे में आपको विवेचना करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था आपका संभावित में। दूसरा है बिहार में 1813 से 1947 तक जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है, जब आधुनिक शिक्षा की जो नींव पड़ी भारत में, उसमें जो है आपको लिखना है पाश्चात्य शिक्षा के बारे में किस तरह से नींव लिखी, उसके प्रति अंग्रेजों का क्या मंशा था, क्या कारण था, उसके बाद इसमें यह भी लिखना है कि विकास में क्या क्या चरण स्टेप उठाए गए, कितना विकास हुआ उसमें, फिर बिहार में किस तरह के आप जो है वेस्टर्न एजुकेशन के विकास को आप देखते हैं, इसके बारे में आपको ये दूसरा में लिखना है। तीसरा है एक कथन है, इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम है और ना राष्ट्रीय है और ना स्वतंत्रता संग्राम है, उसकी समीक्षा करना है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें लिखना है कि किसने ये बात बोला कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम है राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्रामी, वहां से आपको इसके बारे में शुरुआत करना है। और इस क्वेश्चंस में आपको आंसर किस प्रकार का लिखना है कि ये जो कथन है, जो ये कथन है इसको आपको साबित करना है।
ठीक है, जिनके द्वारा ये बोला गया है उस कथन को, उस कथन को आप अपने आंसर के माध्यम से साबित करेंगे कि ये क्वेश्चंस जो पूछा गया है, जो कॉपी जांच करने वाला होगा उसको ये लगेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चंस पूछा है इसने जो है साबित किया। आप ये लिख के नहीं लिखना है कि इससे जो है कि हम साबित करते हैं और ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, नहीं, आपके आंसर में झलकना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, आपके आंसर में ये बात झलकना चाहिए कि हम जो है इस कथन को जो है किस तरह से साबित करते हैं। तो आप तीसरा आपका ये था। चौथा देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट कीजिए। समझ रहे हैं बात को, पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के बारे में लिखिए, कि पहले आप लिखिए कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ, गांधी जी की 1915 में जब इंडिया आए, 9 जनवरी 1915 को जब इंडिया आते हैं, तो उसके बाद पहले का जो है 1885 से लेकर 1915 तक का जो समय था वो किस तरह से कांग्रेस आपस में क्या थे, बदले हुए थे, नरम दल गरम दल। 1906 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, फिर 1916 में जाके मिले, समझ रहे हैं, वहां से फिर चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होती है। तो किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की एंट्री के बाद क्या होती है, आप देखिए, कोई भी आंदोलन होता है जो आपस में साफी मिलके इस आंदोलन, चाहे खिलाफत आंदोलन हो चाहे असहयोग आंदोलन हो, फिर बीच में टूट फूट पड़ती है कांग्रेस, फिर आपको जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, तो इस तरह के आंदोलन में गांधी जी की आवाज को क्या हो रहा है, चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी की पूरे देश में पहचान मिली, और उस आंदोलन के बाद सभी आंदोलन क्या होता है, एक साथ लड़े जाते हैं, चाहे उसमें महिला हो, किसान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो। तो इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण आंदोलन एक जो है मील का पत्थर साबित हुआ, कैसे उसको हमको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संथाल विद्रोह। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। द संथाल अपराइजिंग वॉज द फर्स्ट फेयर्स रिएक्शन ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ठीक है, इसको बोल रहा है आपको व्याख्या करने के लिए। देखिए इसमें एक तो पहले संथाल विद्रोह के बारे में आपको बताना है, फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध क्यों हो गया संथाल विद्रोह, पहले तो संथाल विद्रोह के बारे में बताना है कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ, किस ब्रिटिश शासन के किस नीति के कारण हुआ, और आपको ये साबित करना है कि ये प्रथम प्रतिक्रिया थी कि नहीं, ये क्या है, एक तरह से आपका कथन है, समझ। इसमें दो है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का किस तरह से शासन व्यवस्था थी जिसमें संथाल विद्रोह हुआ, तो उसके बारे में आपको लिखना और साबित करना है कि इससे पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, प्रथम प्रतिक्रिया जो विरोध हुआ था किसी जनजाति का वो संथाल था, उसके बारे में इसमें ये लिखना है कि इसका कैसे दमन किया गया और संथाल विद्रोह से क्या निकल के आया देश में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की बातों को आपको इसमें लिखना है, व्याख्या करना है। नेक्स्ट है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछता ही है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसमें कुंवर सिंह के बारे में सब कुछ लिखना है, जन्म लिखना है, ठीक है, उसके बाद जो है इनकी जो है पहला विद्रोह कहाँ हुआ, फिर विद्रोह में ये कहाँ कहाँ गए, ठीक है, उस विद्रोह में उन्होंने किन के साथ लड़ाई किया, बीच में उनका कौन सहयोग किया, फिर वो आरा वापस लौटते हैं तो फिर वो क्या संगठन जो है उनकी तैयार होती है, फिर उन मरने के बाद जो है उनके भाई, उनके बारे में लिख लीजिएगा, अमर सिंह के बारे में, उन्होंने किस तरह से विद्रोह को जो आगे बढ़ाया, थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, और उसके बाद नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा, और कुंवर सिंह की फिर भूमिका, फिर उसका प्रभाव जो है किस तरह से रहा, क्या महत्व था, समझ रहे बात को, तो इस चीज के बारे में आप 1857 के विद्रोह में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विशेष संदर्भ में थारो छोरो आंदोलन के स्वरूप तथा विस्तार का विश्लेषण कीजिए। ध्यान देखिएगा, बिहार के विशेष संदर्भ में पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ उसके बारे में पहले बताइएगा, राष्ट्रीय बारे में कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, समझ रहे हैं बात को, उस समय घटनाएं के बारे में बताइएगा, उसके बाद बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, उस समय के जो नेता थे उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करिएगा, उन्होंने क्या क्या इस भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह से सहयोग दिया, उन नेताओं का जो है, उन महान पुरुषों का उल्लेख करना इसमें अनिवार्य है, इससे आपके क्वेश्चन का वेट बढ़ेगा, तो ये रहा। नेक्स्ट है, बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिटिश शासन के दौरान क्या परिवर्तन हुए, देखिए
बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में जब 1857 के युद्ध के बाद 1858 के बाद ब्रिटिश रूल पूरी तरह से भारत में कब्जा हो जाता है, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि भारत समेत बिहार में बहुत सारे सामाजिक आर्थिक बदलाव भी आते हैं। तो उस तरह के परिदृश्य के बारे में आपको लिखना, आर्थिक में आपने देखा कि महलवारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था के बारे में, फिर बहुत सारे सामाजिक जो है जो सती प्रथा हो, सारे जितने भी आंदोलन थे जो सामाजिक प्रभाव के, वो सारे चीज को आप यहाँ पे लिखना है। समझ रहे बात को? तो बिहार में सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव आए, उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातों को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, दिस ओविडेंट मूवमेंट, बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है उसके बारे में लिखना है, क्यों शुरुआत हुई उसके बारे में आपको जिक्र करना है, इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करना है। अब बिहार में सामाजिक वर्गों की क्या भूमिका रही, जो इस आंदोलन में बिहार के जितने भी सामाजिक वर्ग थे उनके बारे में यदि आप कुछ उस टाइम के महिला हो या पुरुष नाम जानते हैं महान पुरुष को, तो उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख कर दीजिएगा, उन्होंने क्या क्या भूमिकाएं की उसके बारे में आप यहाँ पे मूल्यांकन कीजिएगा। समझ रहे बात को? तो आपका ये सविनय, यहाँ दो क्वेश्चन है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के उसके सामाजिक वर्गों की भूमिका का। इस तरह से जब आप क्वेश्चन समझते हैं तो आप जो है ये क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये लग जाता है कि मेरा आंसर का जो लिखने का होगा वो किस धारा में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको यदि पता चल जाता है तो आप 50% उस आंसर को लिखने समय में रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। ये था आपका। नेक्स्ट है आपका आधुनिक बिहार में शिक्षा के विकास। देखिए आधुनिक बिहार में शिक्षा प्रेस के विकास के बारे में पूछ रहा है कि किस तरह से बिहार में शिक्षा, जैसे भारत में शिक्षा का विकास हुआ 1813 के बाद, आप देख रहे हैं मैकाले समिति के बाद, उसके बाद जो है 1813 में ही ये दिया गया था कि 1,00,000 रुपया जो है शिक्षा के विकास में लगाया जाएगा वहां से लेके, और जो है फिर प्रेस का विकास देख रहे हैं कि प्रेस का विकास ने किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है एक भूमिका अपनाई, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में लिखना है। साथ ही साथ जो है स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा प्रेस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है अहम रोल अपनाया शिक्षा और प्रेस ने, क्योंकि अंग्रेज ने तो शिक्षा तो ये सोच के रखे थे कि अंग्रेजी शिक्षा होगी तो यहाँ के लोग जो होगी हमारी मानसिकता के लोग होंगे और हम क्योंकि पढ़ाए जाएंगे, कौन सी वही बात कि अंग्रेज क्या थे, भारत जो भारतीय क्या थे, बहुत बेकार थे, उनको खाना पीना रहन सहन नहीं आता था, और अंग्रेज जब से आए तो अंग्रेज के बाद जो है भारत की भारतीय लोग जो है सुधरे, इसका मतलब अंग्रेज जो है बहुत अच्छे आदमी, इस तरह के टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था। तो इससे क्या होगा कि अंग्रेज को ये लगता था कि यहाँ पे एक तो मानसिक गुलामी जब होगा, मानसिकता गुलामी होगी तो हम काफी दिन तक यहाँ पे टिकेंगे, तो किस तरह से, मगर ऐसा हुआ नहीं, इसके जस्ट विपरीत हुआ। जितने भी आप स्वतंत्रता आंदोलन में आप महान पुरुष को देख रहे हैं वो सब अंग्रेज की शिक्षा से ही, अंग्रेजी शिक्षा से ही पढ़े हुए थे, कोई वकील थे, कोई बहुत बड़े डॉक्टर थे वगैरह वगैरह। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये अंग्रेजों की जो नीति थी उससे जस्ट उलट हो गए और यही पढ़े लिखे वर्ग ने एक जो है बड़ा आंदोलन खड़ा किया, इसके बारे में लिखेंगे। फिर प्रेस के विकास में लिखेंगे किस तरह से जो है प्रेस का विकास में भी अहम रोल रहा, प्रेस के विकास में छोटे छोटे अखबार पेपर से चलाते थे, और उसमें कुछ आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कुछ समाचार पत्र का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उन समाचार पत्र ने किस तरह से जो है क्रांतियां लाई, और फिर इसने प्रेस को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किए उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका। उसके बाद है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की जन भागीदारी, ठीक है, 1942 के दौरान जो है बिहार की क्या जन भागीदारी रही भारत छोड़ो आंदोलन में, इस क्वेश्चन को अभी मैंने बताया उसी को घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा, वही एजुकेशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1813 से लेकर 1947 तक जो पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन थे उसमें बिहार के विकास, बिहार में किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन का विकास हुआ, एक ही क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिरसा आंदोलन के बारे में आपको लिखना है कि जनजातीय शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना करें, तो आपको बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या आपको करना है।
नेक्स्ट है आपका मौर्य कला, मौर्य आर्ट्स के बारे में लिखना और साथ ही साथ बिहार में इसके प्रभाव का जो है विश्लेषण करना है। मौर्य आर्ट्स के बारे में लिखना है और साथ ही साथ उसके प्रभाव का विश्लेषण करना, तो ये दो पार्ट में है, ठीक है, तो दो पार्ट में है। नेक्स्ट है पटना कलम चित्रकारी की, उसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है पाल कला की प्रमुख विशेषताओं की आलोचना, तीन में से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही, चाहे मौर्य आर्ट्स पूछे या पटना कलम पूछे या पाल कला पूछे, तो तीनों के बारे में आपको घर पे आप 1000 से लेके 1200 वर्ड्स तक लिख के आप लिख लीजिए, घर पे फेर बना लीजिए, कम समय 2 दिन से 3 दिन लगेगा। उसके बाद आपको ये होगा कि आपका एक सेक्शन तैयार, आप कुल सेक्शन जो है आपके जीएस में कितने सेक्शन है, कुल 6 सेक्शन है, इसका जो मैं बता रहा हूँ ये 38 में से 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो 114 नंबर आपको, ये तो ये हो गया कि आपका एक सेक्शन का तैयारी 2 दिन में हो गया, तो 6 सेक्शन है, तो 6 सेक्शन को जो है आप जो है आपका 2 से 3 दिन में जो है एक सेक्शन आपका तैयार हो रहा है, और 1000 से 1200 वर्ड्स में आप तैयार करके लिख लीजिएगा, उसी को प्प्रैक्टिस करना है, और डेली आपको कम से कम 3 गो 4 गो 5 गो क्वेश्चन का लिखना है, 5 गो क्वेश्चन का डेली आपको प्रैक्टिस करना है। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, और यही कॉन्फिडेंस लेवल आपको जो है एग्जाम में काम आएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं कि हमने तैयारी नहीं किया, आंसर राइटिंग नहीं किया है, तो जब आप नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, 0 होगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेहनत करना होगा सही डायरेक्शन में, सही रणनीति में तैयारी करिएगा, तो रिजल्ट लाना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में कृषक आंदोलन पर आलोचनात्मक टिप्पणी की, जो स्वामी सहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन के बारे में, तो यहाँ पे आप स्वामी सहजानंद के बारे में लिखिएगा, और उसमें बिहार में किसान जो कृषक आंदोलन किसान आंदोलन थे उनकी भूमिका के बारे में जो है आप उनको लिखना है। नेक्स्ट है जात, गांधी जी के विचार जाति और धर्म पे, कभी जाति पे पूछ लेगा गांधी जी का विचार या धर्म पे गांधी जी का विचार, तो आप दोनों तैयार करके जाइएगा, पूछेगा ही आपसे। नेक्स्ट है नेहरू जी का और धर्म, नेहरू जी का धर्मनिरपेक्षता पर, ठीक है, सेकुलरिज्म पर, और आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की क्या भूमिका थी, ये क्वेश्चंस आपको जो है लिखना है। धर्मनिरपेक्षता पे नेहरू जी का क्या विचार था, साथ ही साथ जो आधुनिक भारत के निर्माता किसको किनको बोला जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो कैसे बोलना है, क्या भूमिका थी, किस कारण इनको बोला जाता है, तो इनके बारे में आपको लिखना, और उससे ऊपर क्या है जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में भी आप जो है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर के, बहुत इंपॉर्टेंट, सामाजिक और सांस्कृतिक विचार की महत्ता का वर्णन कीजिए। ये जो 3 आपको मैंने बताया है, कौन सा, एक वो गांधी जी के विचार जाति और धर्म पे, और एक नेहरू और धर्म की धर्मनिरपेक्षता, आधुनिक बिहार के निर्माण में नेहरू जी की भूमिका, तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं उसमें से आपको एक पूछेगा ही, और ये 3 जो आर्ट्स है उसमें से एक वो पूछेगा ही, आपका 2 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो गया, 6 क्वेश्चंस में आपको कितना देना है, 3 क्वेश्चंस का जवाब, 38 गुना 3 114, तो 2 से 3 दिन में आपको 114 नंबर की तैयारी हो गई। और एक है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सामाजिक और सांस्कृतिक विचार की महत्ता का वर्णन कीजिए, या रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है जो आधुनिक भारत में जो है इनका क्या योगदान रहा, उनके बारे में भी आप कुछ तैयार कर लीजिएगा। ये थे मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं करंट अफेयर्स का भी बनाऊंगा, और आगे भी जो अनसेक्शंस है उसका भी बना के आपको जो है डाल दूंगा, और नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार जो है आप जो तैयारी किए हैं वो तो क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है इस क्वेश्चन से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम जो है हमें और वीडियो बनाने में हमें क्या हो मोटिवेट हो, हम और ज्यादा वीडियो जो है आपके सामने में लाएंगे, ताकि जो है आपके लिए एग्जाम की तैयारी के दौरान जो है आपको ज्यादा से ज्यादा जो है लाभकारी हो। Thank you, all the best for your exam.